गाइस वेलकम टू आवर चैनल। गाइस इस वक्त मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए। तो आज हम खेलने वाले हैं फिर से कार रोलेट। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। गेम का लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लो। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई विड्रॉ पे प्रूफ बनाओ और डिपॉजिट पे प्रूफ बनाओ, मतलब रिचार्ज पे विड्रॉ नहीं हो रहा, बहुत से लोगों का रिचार्ज फंस रहा है। तो गाइस देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी गेम नहीं है, मेरी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे भी 20,000 रुपए भी फंसे हुए हैं, ठीक है। अभी तक प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, आए नहीं है, बट आ जाएंगे, मेरे को इतना यकीन है, क्योंकि मेरे कभी इसमें गेम में पैसे फंसे नहीं है। लेट सवेर होता है, कभी कभी ऐसा होता है महीने तक अटक जाते हैं पैसे। गाइस कभी कभी होता है ये सब कि महीने तक पैसे अटक जाते हैं हमारे, बट आते एक दिन जरूर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पता नहीं कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम किस तरह से होती है। प्रॉब्लम ये होती है जैसे कि हम लोग रिचार्ज कर रहे होते हैं कभी, ठीक है, और हमारा नेटवर्क अगर थोड़ा बहुत भी स्लो है, ठीक है, अगर नेटवर्क स्लो हो गया रिचार्ज करते समय, या स्लो है या फिर नेटवर्क बंद हो जाता है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम से ही वो प्रोसेसिंग में चला जाता है अमाउंट जो हम विड्रॉ लगाते हैं या फिर जो डिपॉजिट करते हैं। ज्यादातर ये डिपॉजिट पे होता है, मतलब जब एड मनी कर रहे होते हैं ना, रिचार्ज कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर ये वाली प्रॉब्लम तभी होती है। तो गाइज वो प्रोसेसिंग में चला जाता है, उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को रिपोर्ट करनी है जहां पे आपका रिचार्ज का अमाउंट दिखा रहा होता है, जहां पे आपने रिचार्ज किया होता है, ठीक है, जैसे फोन पे या फिर पेटीएम से जो भी किया होता है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, जहां आपने रिचार्ज किया होगा फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम से, वहां पे एक यूटीआर आ रहा भी होगा, ठीक है, यूटीआर ऑप्शन आ रहा होगा, इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे यूटीआर ऑप्शन आ रहा होगा, उसको नंबर को कॉपी कर लेना आप लोगों को। फिर वहां पे फीडबैक में जाके जहां आपने रिचार्ज किया है, ठीक है, गेम आईडी में वहां पर फीडबैक में डालना है, एक तो यूटीआर नंबर भी आप लोगों को पेस्ट करना है, प्लस स्क्रीनशॉट लगाना है, फिर आपको मनी से रिलेटेड कुछ भी लिख देना है, मतलब जैसे कि वेयर इज माय मनी, कुछ भी वेयर इज माय अमाउंट, या फिर मेरा अमाउंट फंस गया वगैरह वगैरह कुछ भी लिख देना है इंग्लिश में, ठीक है। तो वो आप सबमिट कर देना, तो जैसे सबमिट करोगे वहां पे आपको एक रिप्लाई भी मिल जाता है, कभी कभी उस रिप्लाई में एक दिन में लग जाता है, कभी कभी 2-3 घंटे में रिप्लाई आ जाता है, कभी कभी तुरंत भी आ जाता है, ठीक है, बट आपका अमाउंट कहीं नहीं जाता। हाँ कभी कभी बाई चांस, गाइस देखो मैं कह सकता हूँ बाई चांस आपका अमाउंट जा सकता है, क्योंकि इसमें कस्टमर केयर की जो है, ठीक है, रिपोर्ट करने की प्रॉब्लम बहुत तगड़ी वाली है, क्योंकि वहां से ज्यादातर रिप्लाई आते नहीं है गाइस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। कस्टमर सर्विस जो है यहाँ की वो बहुत ही बुरी है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बहुत बुरी है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो मेरा अमाउंट कितना हो चुका है, 31,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए थे मेरे पास आज, मेरे को आपको ये सब बताना था, इसलिए मैं गेम के बारे में ज्यादा बता नहीं पाया, बट फिर भी मैंने अर्निंग कर लिया। देखो तो मैंने फरारी भी पकड़ लिया गाइस, पोर्स भी पकड़ लिया, ठीक है। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे, किसी के 5,000 फंसे, किसी के 10,000, इस तरह से फंसे हुए हैं पैसे, तो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं इस पे कैसे क्या वीडियो बना दूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपको विनिंग प्राइज अपना विड्रॉ प्रूफ नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहां पर मेरा नंबर आता है, वो लीक हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेरी आईडी पहले से एक बार हैक हो चुकी है, इसमें वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, ठीक है। बट मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकता हूं, बता ही सकता हूं कि रीजन क्या है, तो रीजन यही है कनेक्टिविटी, जो आपका नेट है, ठीक है, वो स्लो हो जाता है बाई चांस या कुछ हो जाता है, उसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है गाइस रिचार्ज में या फिर विड्रॉ में। विड्रॉ भी कभी कभी ऐसा होता है प्रोसेसिंग में चला जाता है, बट विड्रॉ जो होता है, ठीक है, वो आ जाता है, बट ये जो रिचार्ज वाला है ना, ये रिचार्ज वाली प्रॉब्लम, ये कनेक्टिविटी जो आपका नेट स्लो होता है उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ जाती है गाइस, ठीक है। तो गाइस मैं आप लोगों को आज ट्रिक के बारे में समझा नहीं पाया, बट मैंने गेम प्ले करके बता दिया, जो मेन प्रॉब्लम थी उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।